प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ए टू जेड। यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, रिटर्न्स कैसे रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। मेनली आईसीआईसीआई बैंक एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, तो बैंक्स क्या करती हैं, पैसे जमा करती हैं, ट्रांजेक्शन करती हैं, डीमैट अकाउंट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, तो इनका रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। प्लस जो हम पैसे जमा या निकाली करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। हम एफडी वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, वहां से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह होता है। तो यहाँ पे हमने पहले से मेंशन कर रखा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और एडवांस बिल्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो पैसा जमा करते हैं, एफडी वगैरह करते हैं, तो ये एफडी का जो आपको इंटरेस्ट देते हैं कहाँ से देते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से भी इनको इनकम आती है, तो इनका भी कुछ बचता होगा। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर बैंक्स, जो इंटरकनेक्टेड बैंक्स होते हैं उनके फंड्स वगैरह होते हैं, वहां से होते हैं। अब बैंक के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए, गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी, संदीप बख्शी जो कि सीईओ ऑफ द कंपनी है, इसके अलावा राकेश झा, संदीप बत्रा और श्रीराम। कंपनी के अगर टोटल शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 703.62 करोड़ शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे इनकम शीट से लेकर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम क्वार्टरली पहले देखेंगे, फिर एनुअल देखेंगे। क्वार्टरली में हम लास्ट क्वार्टर का, मतलब कि जून 2024 का, इसके पहले वाले मार्च 2024 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, प्लस यहाँ पे 23 का जून क्वार्टर कैसा रहा था उसका 24 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो जून 2024 में, मतलब कि 2024 के क्वार्टर में 67,270 करोड़ और लास्ट में 67,181 करोड़ मार्च के क्वार्टर में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अप मूव भी देखने को मिला है, थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिली 0.13%। अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो 52,000 करोड़ था, जो अभी 67,000 करोड़ पहुंच चुका है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली एक साल में। और यहाँ पे अगर बात करें प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, ये होते हैं जो अनसर्टन लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं, इसके बारे में बात करें अगर, जैसे 1345 करोड़ जून 2023 में था, अभी ये 1315 करोड़, थोड़ा बहुत डिप है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 697 करोड़, जो पहुंच चुका है 1315 करोड़। जैसे बोला अनसर्टन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज में कि 88% अप हो गया, यहाँ पे 31% डाउन, यहाँ पे 57% अप, तो ये अनसर्टन है। जैसे भी कहीं पर भी जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के लिए बोल दिया या कहीं पे लोन दिया है जो नहीं मिल पा रहा है, वैसे लॉस एंड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें पैट की, तो लास्ट क्वार्टर में था 12,728 करोड़ मार्च के क्वार्टर में, और जून के क्वार्टर में 11,695 करोड़, यहाँ पे 8.11% की गिरावट देखने को मिली लास्ट क्वार्टर से। अगर बात करें जून 2023 से, 10,636 करोड़, जो अभी पहुंच चुका है, यहाँ पे कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से 2024 के क्वार्टर से 11,695 करोड़, मतलब 10,000 से सीधे 11,695 करोड़, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही प्रॉफिट एंड लॉस में भी। यहाँ पे प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉस होता तो माइनस का लगा होता। अगर बात करें यहाँ पे अदर थिंग्स की बात करें, ग्रॉस एनपीए वगैरह दिया नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट 2023 में जून क्वार्टर में 20.42 था, जो अभी पहुंच चुका है 17.39, मतलब 17.39, जो लास्ट 2023 के क्वार्टर से 3% नीचे है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल रही है और लास्ट क्वार्टर से भी डिप देखने को मिल रही है। बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पे तो 15.22 था 2023 के क्वार्टर में जून में, अभी वो 16.64 पहुंच चुका है। ईपीएस बेस्ड ऑन द शेयर होता है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी का एक शेयर पे अर्निंग कितनी है। लास्ट क्वार्टर मार्च 2024 में 16.63 था, जो 16.64 है, लगभग इक्वली है, कोई चेंजेस नहीं है। एनुअल इनकम शीट देखें तो एनुअल इनकम शीट में 2023 और 2024 के टोटल इनकम की बात करें तो 1,86,178 करोड़ था 2023 में, जो पहुंच चुका है 2,36,000 करोड़, 26% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज की बात करें तो कंटिजेंसीज 18,733 करोड़ था 2023 में और 2024 में 19,140 करोड़। अगर यहाँ पे 2020 की बात करें, 2020 से यहाँ पे डिप देखने को मिल रही है। अगर इनकम की भी बात करें तो इनकम 2020 में 1,49,786 करोड़ थी, जो 2,36,000 करोड़ पहुंच चुकी है।
अगर यहाँ पे बात करें पैट की, तो पैट यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2020 में 9,566 करोड़ था, जो पहुंच चुका है 47,904 करोड़, और लास्ट ईयर से बात करें तो 34,036 करोड़ था, जो सीधे सीधे 47,904 करोड़, लगभग 30% से अप है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है लगातार। मतलब कंपनी लगातार ग्रोइंग है, प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग है यहाँ पे, अदर चीज मतलब ए टू जेड मस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। हालांकि क्वार्टरली थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे अगर एनुअली देखें लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 2.91 था 2020 में, अभी वो 3.61 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखें तो 11.27 था 2020 में, अभी वो 30.03 है, 28.11 था 2023 में, जो अभी 30.03 पहुंच चुका है। ईपीएस की बात करें अगर एनुअली तो 14.81 था 2020 में, मतलब 14 रुपए कमा रही थी पर शेयर 2020 में, समझना। और अभी अगर 2024 की बात करें तो 63.19, मतलब कि 63 रुपए कमा रही है, और 2023 में 48 रुपए 49 रुपए कमा रही थी। कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत ही जबरदस्त हैं और ग्रोइंग कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी आफ्टर HDFC बैंक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस मिलने वाला है और ट्रेडिंग तक के सारे कंटेंट मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की कंपनी के एडवांसेस देखें यहाँ पे 2023 में थे 10,83,000 करोड़, जो 2024 में पहुंच चुके हैं 12,60,000 करोड़। अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखें तो 2023 से 2024 में ग्रो हुआ है 16% से, इसके अलावा 2022 से 2023 की बात करें तो 17% से, 2021 से 2022 की बात करें तो 16% से, 2020 से 2021 की बात करें 12% से। मतलब कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स भी मतलब यहाँ पे कस्टमर्स का यहाँ पे ट्रस्ट बन रहा है कंपनी पे, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है ना, जो हम पैसा जमा करते हैं उनकी बात की जा रही है। डिपॉजिट्स 2023 में 12,10,000 करोड़ था, जो पहुंच चुका है 14,43,000 करोड़। 2023 से 2024 में जो परसेंटेज वाइज देखें तो 19% से ग्रो हुआ है डिपॉजिट्स, वहीं पे 22 से 23 में 10% से, और 21 से 22 में 13% से, और 20 से 21 में 19.87% से। टोटल इक्विटी की बात करें तो 2023 में थे 2,20,000 करोड़, जो पहुंच चुके हैं 2,70,000 करोड़, 22% से अप है टोटल इक्विटीज ग्रोथ जो है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की बात करें तो कंपनी ने सारा जीरो कर दिया है, मतलब सारे लाइबिलिटीज जो अनसर्टेन लाइबिलिटीज थे वो कंपनी ने जीरो कर दिए हैं, वो चुका दिए हैं। बात करें कैश फ्लो की तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लास्ट ईयर था माइनस में 3700 करोड़, जो अभी प्लस में पहुंच चुका है, वो काफी प्लस हो चुका है 1,57,284 करोड़। अगर बात करें अपने नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो इन्होंने यूज किया है इन्वेस्टिंग में, वो माइनस में था लास्ट ईयर 68,000 करोड़, जो अभी 1,45,931 करोड़ है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 24,790 करोड़ था, जो अभी 13,764 करोड़ पहुंच चुका है। नेट कैश फ्लो टोटल जो कैश फ्लो है उसकी बात करेंगे तो लास्ट ईयर माइनस में था 46,669 करोड़, अभी वो 25,541 करोड़ पहुंच चुका है। जो क्लोज किया उन्होंने लास्ट ईयर वो 1,36,456 करोड़ 2023 में था, और इस बार 2024 में मार्च 2024 में 1,62,768 करोड़, मतलब कि 19% अब मतलब ग्रोथ देखने को मिली कैश फ्लो में, जो क्लोजिंग कैश फ्लो था। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हम कुछ की पैरामीटर्स जानते हैं या हम यूज कर सकते हैं, जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं या इजिली हम इंटरनेट पे भी पा सकते हैं, ढूंढे तो हमको तुरंत मिल जाएंगे। ये की पैरामीटर्स की इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ROE, ROCE, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, ICICI बैंक के ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में 16.1% था, जो अभी 17.7% पहुंच चुका है, मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, जो 2020 में 8 के आसपास था। रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कितना रिटर्न आ रहा है कंपनी को, एसेट्स यहाँ पे जो 2020 में 1 के भी नीचे था, अब वो 2 पहुंच चुका है, कंपनी यहाँ पर भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। कॉस्ट टू इनकम, कितना पैसा लगा रही है कंपनी और उस पर इनकम कितना निकाले, जो 2020 में 62 था वहां से अगर देखें तो यहाँ पे 50 लगभग 49.53 पहुंच चुका है, मतलब 100 पे 200 रुपए, मतलब
100 का डबल कर रही है कंपनी यहाँ पे। कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे जितना कम होगा उतना बेटर कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये जितना आप पैसा लगा रहे हो ना टू इनकम परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पे जितना कम ये रेशियो होगा परसेंटेज होगा उतना ही कंपनी किसी स्टॉक का एनालिसिस में ये उतना ही बेटर माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 49.53 है तो 54.34 से ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है अभी 2024 में। इंटरेस्ट इनकम टू अर्निंग एसेट्स यहाँ पे अगर देखें तो 6.18 था जो अभी पहुंच चुका है 6.74। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू अर्निंग एसेट्स 3.313, 2.58 था 2023 में। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पैरामीटर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो लास्ट ईयर था 18, अभी ये 16, मतलब कि लास्ट ईयर से वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ती मिल रही है अभी स्टॉक की। इसके पहले महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, अभी तो फिर डाउन हो चुका है। वैल्यूएशन अच्छी मिल रही, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा है। किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से 25 के बीच होता है या 20 से 25 के बीच होता है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच नहीं होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू का स्टैंडर्ड जो प्राइस टू बुक वैल्यू का स्टैंडर्ड जो वैल्यू मानी गई है वो 1 होना चाहिए या 1 से नीचे, बट होती नहीं है एक्चुअल में। जो आइडियल में देखा जाए मानते हैं लोग, जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लोग जो मानते हैं वो 3 के नीचे मानते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे कंपनी का वहां पर भी क्राइटेरिया फॉलो करिए, 2.85 है, लास्ट ईयर 2.90 था। प्राइस टू सेल्स 4.82, लास्ट ईयर था 5.06। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव है लगातार कंपनी का, पहले से भी काफी इंप्रूव किया, क्योंकि अगर 2020 में थे माइनस में 63 था, अभी 19 रुपए माइनस में, लगातार इंप्रूव कर रही कंपनी। हो सकता है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर्स में ये प्लस में भी देखने को मिल सकता है। वी हैव डन विद फंडामेंटल एनालिसिस, अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक प्राइस से लेके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट और चार्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन स्टॉक प्राइस है 1229 रुपए, और यहाँ पे ओपन हुआ था 1239 रुपए, हाई बनाए 1239 रुपए 20 पैसे और लो बनाए 1222 रुपए 50 पैसे। मार्केट कैप की बात करें तो 8,66,000 करोड़ मार्केट कैप है आईसीआईसीआई बैंक की। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इन इंडिया एचडीएफसी बैंक के बाद। पी रेशियो की बात करें 19 पहुंच चुका है पी रेशियो। हमने जो लास्ट बार बात किया था पी रेशियो इन फंडामेंटल एनालिसिस वो था ईयरली बेसिस पे, अभी जो करंट में चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.81% है। यहाँ पे 52 वीक हाई की बात करें तो 1257 रुपए 80 पैसे, 52 वीक लो की बात करें 899 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 899 से 1257 रुपए तक का स्टॉक गया है लास्ट 1 ईयर में। अगर आपने लास्ट ईयर इसी टाइम पे इसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 27% ग्रो हो चुका होता, मतलब कि इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 27% की ग्रोथ दिखाई है। देखो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो लार्ज कैप की कंपनी है, ठीक है, और लार्ज कैप की कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी जितनी भी है उनको माना जाता है कि अगर 5 साल में पैसा डबल कर दिया तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आईसीआईसीआई बैंक की करें बात तो आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट 5 साल में पैसा डबल नहीं ट्रिपल किया, क्योंकि आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गया। यहाँ पे 214% के रिटर्न दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट 5 साल में। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉन्ग टर्म में पैसा क्यों लगाना चाहते हैं और क्यों यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहिए, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा ही क्यों रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आता है लॉन्ग टर्म। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता 2001, 2002, 2003 में, 2004 में, तो वो पैसा आज जो रिटर्न है ना 2024 में 30,000% का रिटर्न दे चुकी है आईसीआईसीआई बैंक, मतलब आपका 1,000 रुपए 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता 2024 में, आपका 10,000 रुपए 30 लाख बन जाता, 1 लाख रुपए 3 करोड़ बन जाता। मतलब कि लॉन्ग टर्म में जो पैसा यहाँ पे स्टॉक में बनता है ना वो ह्यूज होता है, आप संभाल नहीं सकते इतना पैसा बन सकता है। तो आपको अब बस एनालिसिस करना है, कॉन्फिडेंस रखना है और कोई भी अंधी तुक्का नहीं मारना है, एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ऐसा ही होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अगर अगर अच्छी कंपनी में पैसा लगाया हो तो पैसा बनेगा, अगर किसी कंपनी में एनालिसिस नहीं किया, देखा नहीं कंपनी का बिजनेस क्या है कैसा है, ऐसे ही लगा दिया तो वहां पे डूबने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का हम चार्ट एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आगे क्या चांसेस है इस स्टॉक के ऊपर जाने के या नीचे जाने के। प्लस यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि स्टॉक ने लास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं जैसे मूविंग एवरेज वगैरह, तो यहाँ पे एक मेन एवरेज होता है जो ईयरली वाइज यूज होता है,
और सबसे ज्यादा रिलायबल एवरेज माना जाता है 200 DMA, मतलब 200 दिन का एवरेज। यहाँ पे अगर देखें तो 2021 के पहले 2020 के आसपास यहाँ पे टच किया था 200 DMA को ICICI बैंक के स्टॉक ने, उसके बाद आज तक मतलब 4 साल में कभी नहीं टच किया है। आप देख सकते हैं लगातार रैली कर रहा है और सीधा दौड़ता दौड़ता जा रहा है और पैसे बना के दे रहा है। यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, जिसके मतलब है बुलिश है स्टॉक यहाँ पे, ठीक है, और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लगातार, इस रेंज को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार ट्रेंड में बना हुआ है, तो अभी भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ऑल टाइम हाई 1260 के आसपास इसको ब्रेकआउट देता है तो और भी चांसेस हो सकते हैं कि ऊपर जाए, 1300 रेंज टच कर सकता है और 1300 के ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ पे इसको टच करके इस रेंज को फॉलो करता है, ऑल टाइम हाई तोड़ता है, उसके बाद यहाँ पे टच करके वापस आता है, तो फिर से यहाँ पे इस रेंज में टच हो सकता है, इसी रेंज में चल सकता है या फिर इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये रेंज 1154 रुपये स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके बाद 1148 रुपये, सॉरी। तो ये स्टॉक अभी भी बुल रन में चल रहा है। तो यहाँ पे हम ICICI बैंक को कंपेयर करने वाले हैं अदर बैंक से उनके रिटर्न के हिसाब से, ठीक है, कि अदर बैंक का रिटर्न कैसा रहा है और ICICI बैंक का रिटर्न कैसा रहा है। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है उसके पर्पज से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम 3 मंथ, 1 ईयर और 5 मंथ का रिटर्न देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें ICICI बैंक की 3 मंथ पे तो 9.48, मतलब कि 10% के आसपास रिटर्न दिया है, नोट डाउन। HDFC बैंक ने सिर्फ 6% का, वहीं पे एक्सिस बैंक ने 1.5% का, कोटक बैंक ने 5.5% का, इंडसइंड बैंक ने तो पैसा डुबाया है, सॉरी डुबाया नहीं है, 0.92% का छोटा सा लॉस दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 26.7, 27% के आसपास रिटर्न है। HDFC बैंक ने 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिए, 3.5% के आसपास। एक्सिस बैंक ने हालांकि 20% 19% के आसपास रिटर्न दिए है। अदर बैंक में कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक ने कुछ रिटर्न नहीं दिए, 2% और एक तो कोटक बैंक ने तो 1% के भी नीचे रिटर्न है। तो यहाँ पे सुपीरियर कौन सा है 1 साल में? ICICI बैंक। 3 मंथ में? ICICI बैंक। अब 5 ईयर्स की बात करते हैं। चलिए 5 ईयर्स में 199.61% का रिटर्न दिया है ICICI बैंक ने, मतलब 200%, ठीक है। वहीं पे HDFC बैंक 46%, एक्सिस बैंक 77%, कोटक बैंक ने तो 24%, इंडसइंड बैंक ने तो 3-3.5%। 5 साल में जिसने पैसा लगा होगा 5 साल पहले, और उसका 3% ही बढ़ा होगा, क्या ही फायदा। तो यहाँ पे ICICI बैंक सुपीरियर देन ऑल, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक इज सुपीरियर देन ऑल अदर बैंक्स इंक्लूडिंग HDFC बैंक, विच इज अ लार्जर कैप फर्स्ट टॉप का बैंक इन इंडिया। एक छोटा सा कंपैरिजन रखा है यहाँ पे स्टॉक का विद निफ्टी 100 एंड निफ्टी बैंक के साथ, स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, मतलब ICICI बैंक ने कितना रिटर्न दिया और इंडिसेस जो है उन्होंने कितना रिटर्न दिया। यहाँ पे 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 3 ईयर्स में ICICI बैंक ने दिया 69%, वहीं पे निफ्टी 100 ने दिया 50% रिटर्न। अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक ने दिया 39%, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया देन इंडिसेस। किसी भी कंपनी या स्टॉक के एनालिसिस में हमको ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, किसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। यहाँ पे अगर ICICI बैंक की बात करें तो FIIs के पास 45% से भी ज्यादा स्टेक है और लास्ट क्वार्टर में 0.71% से अप है, मतलब उन्होंने ज्यादा स्टेक खरीदा है, प्लस किया है। DIIs के पास बात करें तो 44.42%, जिसमें 29% है म्यूचुअल फंड के पास, अदर्स के पास 10%, मतलब हम पब्लिक लोग। क्वार्टरली देखें प्रोमोटर्स के पास 0%, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। FIIs के पास 45.48%, पहले बताया, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा प्लस हुआ है यहाँ पे स्टेक, बाकी तो सेम है जैसे जैसे पहले बताया हमने। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन के बारे में कि अदर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि 26% का अपसाइड अभी ओपन है, मतलब स्टॉक 1229 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1500 तक अभी जा सकता है, यहाँ से चांसेस है। यहाँ पे अगर एनालिस्ट रिकमेंडेशन की बात करें तो वो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई पे देख रहे हैं 20 लोग हैं, बाई पे 16 लोग,
होल्ड पे 4 लोग, मतलब ऑल ओवर 22 पे ही है, कोई भी सेल पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 40 लोगों ने बोला है, 40 के 40 लोग बोल रहे हैं कि बाई करो स्टॉक को, सेल नहीं करना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई और बाई के बीच में यहाँ पे स्केल है। और यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने भी टारगेट दिया है 1400 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक में अप मूव अभी भी ऑन है और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। आप चार्ट पे देख रहे हैं तब भी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं फंडामेंटल तब भी, और लोगों को रिकमेंडेशन भी देख रहे हैं तब भी। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और खुद की एनालिसिस जरूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करें फॉर सच टाइप ऑफ मोर वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दें।